हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ ईद स्पेशल मीठी सेवइयों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हम आपको एकदम से परफेक्ट मेजरिंग के हिसाब से बताएंगे, जिससे आपकी सेवइयाँ एकदम से खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 150 ग्राम के लगभग एकदम बारीक वाली सेवइयाँ ली है। आप इसकी जगह थोड़ी मोटे साइज़ वाली आती है वो भी ले सकते हैं। ये मार्केट में भुनी हुई और बिना भुनी हुई दोनों तरह की आती है, आपको जैसे अच्छी लगे वो ले सकते हैं। अब इनका हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि हमें सेवइयाँ बनाने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मिक्स करने में दिक्कत देती है। हमने इनको थोड़े छोटे साइज़ में कट कर लिया है, आप इनसे भी छोटा इनको कट कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आप देसी घी की जगह डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर ये देसी घी में बहुत ही टेस्टी लगती है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने आधा कप के लगभग मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम लो आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, देखो ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम सेम उसी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच जितना देसी घी और ऐड करेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है। अब इसके अंदर हम सेवइयों को डाल देंगे ताकि हम इन्हें अच्छे से भून पाएँ। सेवइयों की मात्रा आप थोड़ी कम या ज़्यादा करना चाहते तो कर सकते हैं, पर जिस हिसाब से आप बनाएं सभी चीज़ों का मेजरिंग डबल कर लें। अब इसे हम लो आंच पे हल्का गोल्डन होने तक इन्हें भून लेंगे। ये शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत देती है मिक्स करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इन्हें लो टू मीडियम आंच पे ही भूनना है, ये बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखो ये अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। हम इसके अंदर टोटल 1.5 कप जितना दूध ऐड करेंगे। अभी हमने आधा दूध ऐड किया है, दूध हमने नॉर्मल ही लिया है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है। अगर आप हमारे चैनल की और भी बाकी राजस्थानी रेसिपी या फिर ईद स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखो जो हमने सेवइयों के अंदर दूध ऐड किया था वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ 5 से 6 चम्मच जितना चीनी ऐड किया है। चीनी की मात्रा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने दूध बचा के रखा था उसके अंदर हमने रेड कलर का थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर एसेंस ऐड किया है। फूड कलर और एसेंस एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब हम दूध को सेवइयों के अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा येलो कलर के फूड कलर का भी यूज़ किया है। अब इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके साथ और भी डिफरेंट तरीके की रेसिपी शेयर कर पाएँ। देखो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी एकदम से ऑप्शनल है। हमने यहाँ काजू, बादाम और किशमिश का यूज़ किया है, आप इन्हें टोटली स्किप कर सकते हैं। अब हम सेवइयों को कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढक के पकाना जरूरी है, और गैस को एकदम से लो टू मीडियम रखना है। थोड़ी देर में इसे हम ओपन करके चेक कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे टोटली स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो एकदम से खिली खिली बनकर तैयार हुई है। अगर आपकी सेवइयों में दूध या पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। फुल फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए पका लें, और फिर इसे ढककर पकने दें। आपकी सेवइयाँ एकदम से खिली खिली बनकर तैयार होंगी। सेवइयों को ढककर पकाना जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसके अंदर घी अच्छे से डालना है, इस बात में भी कंजूसी नहीं करनी है, तभी आपकी सेवइयाँ एकदम से खिली खिली बनकर तैयार होंगी। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लो जी, हमारी ईद स्पेशल मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें से एक एक सेवइयाँ एकदम से अलग अलग और एकदम से खिली खिली बनकर तैयार हुई है। आप अच्छे से देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये खिली खिली बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा।